आज मैं आपको बीन्स की सब्जी बताऊंगी। मैंने ये पाव भर बीन्स ले रखी है और ये मैंने इतने पीसेस कर दिए हैं इसके छोटे छोटे। ये मैंने दो आलू काट रखे हैं इस तरीके से, और ये मैंने दो बड़े प्याज ले रखे हैं। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, हम इसमें अब जीरा डालेंगे। जीरा गर्म हो चुका है, थोड़ा चलाने के बाद हम इसमें प्याज डाल और बीन्स डाल देंगे। तो अच्छे से हम मिला लेंगे। ये प्रोसेस हम हाई फ्लेम में करेंगे, आँच को हमने तेज ही रखनी है। तब तक हम मसाले बना देते तैयार कर देते। ये देखिए ये हल्का भुन गया है, अब हम इसे हल्की आँच में ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए मसाले तैयार हो गए हैं। ये है धनिया 1.5 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, 1 चम्मच मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये कश्मीरी लाल मिर्च, ऑप्शनल है आप डाल भी सकते हैं। और ये है भुना हुआ जीरा पिसा हुआ, मेरा रखा रहता है। ये है 1/4 चम्मच और ये 1 मीडियम टमाटर काट रखा है मैंने, और ये मैंने 3 हरी मिर्च काट के रखी हुई है। 2 मिनट हो चुके हैं, हम इसको थोड़ा चलाएंगे सब्जी में, थोड़ा सब्जी चलाएंगे हम और इसको फिर से ढक के रख देंगे। इन सभी मसालों को एक बाउल में हम मिक्स कर देंगे। भुन गई है, अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। आंच को हम मीडियम कर देंगे। इसको अब हम 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। आँच हम थोड़ा हल्की कर देंगे और हम इसमें भुना हुआ जीरा डाल देंगे और हमारी सब्जी तैयार है, आलू प्याज बीन्स की सब्जी। अब इसे हम सर्विंग बाउल में रख देंगे। ये देखिए सब्जी तैयार है खाने के लिए, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी आलू बीन्स प्याज की, बहुत ही आसान तरीके से बताई है मैंने। और आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।